हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध, जो कि प्लासी नामक स्थान में हुआ था 23 जून 1757 को। और आपको पता है कि प्लासी के युद्ध में बोला जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव रखी थी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी वर्चस्व को कब स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने भारत में अपने वर्चस्व को स्थापित किया था बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि हुआ था 1764 में, है ना। 1764 में होता है कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया 1764 में। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है प्लासी के युद्ध क्या, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास में न्यू है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्लासी के युद्ध की कहानी को। प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। कौन सी नदी है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस नदी के किनारे हुआ था। तो नदिया जिले में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है नदिया जिला, और भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्थान है। वर्तमान में ये नदिया जिले का एक कस्बा है। प्लासी यहाँ हुए युद्ध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब कि प्लासी जो जहाँ पे युद्ध हुआ था, जो नदिया जिले में, जो वेस्ट बंगाल में, वो उसके लिए, प्लासी के युद्ध के लिए वर्ल्ड फेम है, वर्ल्ड फेमस है ना। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी तरफ से लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर से जो नवाब थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। दोनों में युद्ध हुआ था, लेकिन सिराजुद्दौला अपने ही आदमी की तरफ से, अपने ही लोगों की तरफ से युद्ध हार गए थे। उनका नाम था, इन्होंने इसके जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, मतलब कि इनके साथ विश्वासघात हुआ और ये युद्ध हार गए थे, है ना। आगे देखते हैं कैसे हुआ, कैसे हारे, किन्होंने किसने इसके साथ विश्वासघात किया था, देखते हैं आगे। तो कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पहले ही नवाब के तीन सेनानायक, उसके दरबारी तथा राज के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। 1857 की क्रांति से 100 वर्ष पूर्व यह युद्ध इतिहास में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत को आने वाले 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में बांध दिया था। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, उसके क्या परिणाम, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलीवर्दी खान ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अलीवर्दी खान के पास कोई पुत्र नहीं था। तीन पुत्रियां थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम था घसीटी बेगम, जो कि निसंतान थी, उसको भी कोई औलाद नहीं था, है ना। दूसरी और तीसरी को एक-एक बेटा था। दो उनकी दूसरी पुत्री थी और तीसरी पुत्री थी, यानी दूसरी बेटी और तीसरी बेटी को एक-एक पुत्र था, जिसका नाम था शौकतगंज और दूसरे का नाम था सिराजुद्दौला, है ना। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, है ना। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी की मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। परंतु तो शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्य भावी हो गया, है ना। अंत में 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार देखते हैं क्या कारण थे। आंतरिक संघर्ष था, अंग्रेज द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ, व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी, अंग्रेज द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना, नवाब बदलने की कोशिश करना, कलकत्ता पर आक्रमण, काल कोठरी की दुर्घटना, मीर जाफर के साथ गुप्त संधि, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, है ना। आगे देखते हैं इसके प्लास्टिक युद्ध के परिणाम क्या हुए थे। प्लास्टिक युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, अंग्रेजों को नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का प्रदर्शन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पानिकर ने के अनुसार प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं था, परंतु इसका
परिणाम काफी महत्वपूर्ण निकला, इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है, क्योंकि इसी के कार्य द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी डाली गई थी, है ना। कौन से युद्ध के द्वारा? प्लासी के द्वारा बंगाल में अंग्रेजों की अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली गई। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी है। वास्तव में यह एक क्रांति थी, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आ गया और एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर अपने हाथ में ले ली, है ना। हालांकि बिना लड़े हुए ही अंग्रेजों की ओर से, क्योंकि बिना लड़े हुए अंग्रेज जीत गए, जीतने वाले थे, है ना। बोला जाता है कि बिना युद्ध लड़े ही अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे रॉबर्ट क्लाइव की जीत तय थी, है ना। परंतु नाम मात्र इस युद्ध में सिराजुद्दौला दौला का मित्र मीर मदान मारा गया, नाम मात्र युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि इस युद्ध में पहले ही लोगों ने इसके सिराजुद्दौला दौला की तरफ से लड़ रहे लोगों ने उनके साथ विश्वासघात पहले ही से कर लिया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव से पहले ही मिल चुके थे। मीर जाफर ने पहले ही गद्दारी कर ली थी, इसलिए सिराजुद्दौला दौला को बीच मैदान छोड़ के भागना पड़ा था। मीर जाफर के अंग्रेजों के साथ मिले होने के कारण यह युद्ध पहले ही अंग्रेजों के पक्ष में चला गया था। इतिहासकार इस युद्ध को एक मामूली सैन्य झड़प का नाम देते हैं, परंतु वे मानते हैं कि बाद में इस युद्ध के जो परिणाम हुए वे दूरगामी थे, क्योंकि प्लासी के युद्ध इस युद्ध ने अंग्रेजों के हौसले और उनकी बंगाल पर मजबूत पकड़ को बना दी थी, है ना। ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का, इसी से अंग्रेजों की बंगाल पर मजबूत पकड़ हुई, व्यापारिक वर्ग ने वहां पर कदम रखा और इसके साथ ही अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव थी वो बंगाल में रखी गई थी। लेकिन फिर आपको बता दें, यहाँ पे अंग्रेजों का जो वर्चस्व स्थापित हुआ पूरी तरह से वो बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। तो आज के इस क्लास के इतना ही, लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।